हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जिनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि उनकी ब्लॉग पोस्ट में से कोई भी उनका कंटेंट कॉपी पेस्ट ना कर ले। इंटरनेट में काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स है, काफ़ी ऐसे टूल्स है जिससे कि आपका कंटेंट को कॉपी करके उसको रीराइट करके अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में वो पब्लिश कर सकते हैं। मैं आज इसी वीडियो के अंदर 3-4 टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी कवर करने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है डिसेबल कॉपी पेस्ट ऑप्शन इन अ ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट में से कॉपी पेस्ट की ऑप्शन को कैसे डिसेबल करते हैं। जैसे कि अभी मैंने अपना ये एरिया देखिए सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन आ रही है और कॉपी करके मैं इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। और DMCA कॉपीराइट कंप्लेंट नोटिस, मतलब कि अगर आपका किसी ने कंटेंट कॉपी कर लिया तो आपको कैसे पता लगेगा, मैं उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा और उसके आप गूगल में कैसे कंप्लेन करेंगे, कैसे उसका फॉर्म फिल करेंगे, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि DMCA प्रोटेक्शन बैजेस कैसे लगाएंगे। DMCA प्रोटेक्शन बैजेस के बारे में जिसको भी पता होगा फ्रेंड्स, वो आपकी वेबसाइट या फिर आपकी ब्लॉग से बिल्कुल भी कंटेंट को कॉपी नहीं करेगा। कुछ दिन पहले मेरी वीडियो में कमेंट आया था ब्लॉगर की पोस्ट को कॉपी होने से कैसे बचाए, और उसके 2-3 दिन बाद फिर से मुझे यही मैसेज आया कि कॉपी पेस्ट को डिसेबल करने वाली वीडियो कब बनाएंगे। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और मेरे पास एक कमेंट हो रहा था, भाई आप जानकारी तो काफी अच्छी देते हो पर आपकी वेबसाइट में जो रीडायरेक्ट लिंक लगे हुए हैं उससे काफी परेशानी आती है। रीडायरेक्ट लिंक का मतलब है मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ पॉपअप एड्स लगाई थी कि कोई भी मेरे जब वेबसाइट को क्लिक करेगा तो वो एड्स पॉपअप होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वेबसाइट से पॉपअप एड्स को बिल्कुल रिमूव कर दिए। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी न्यू है तो इस सब्सक्राइब के बटन को जरूर क्लिक करें और उसके बाद ये जो बेल का आइकॉन आ रहा है इसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करने के बाद आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि DMCA प्रोटेक्शन बैजेस को आप अपने ब्लॉग के अंदर कैसे लगाएंगे। आप जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास ये देखिए बैजेस की लिस्ट आ रही है। आप यहाँ से इसका कलर डिजाइन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके ब्लॉग का कलर है, डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे नीचे आप देख रहे हैं ऐड टू ब्लॉगर, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस वाले लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और आप ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे हैं इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपने ब्लॉग को सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक ही ब्लॉग है तो सिर्फ यहाँ पे एक ही नाम शो करेगा। अगर आपने एक ईमेल आईडी में 3-4 ब्लॉग बनाया तो यहाँ पे लिस्ट शो करेगा और वहां से आपने अपने ब्लॉग को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप ब्लॉग का टाइटल क्या देना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो लिखा है ऐड विजिट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे दिस ब्लॉग इज प्रोटेक्टेड, मतलब ये गैजेट अपने आप इसके अंदर ऐड हो चुका है। सेव अरेंजमेंट करने के बाद आपने व्यू ब्लॉग में जाना है और ये देखिए यहाँ पे उसका एक लोगो आ गया है। कॉपीज के वेबसाइट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको अपने ब्लॉग में से किसी भी पोस्ट के URL को, ये जो सबसे ऊपर होता है, इस URL को कॉपी करना है। जो आप चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे इस पोस्ट में से किसी ने मेरे कंटेंट को कॉपी करा है या नहीं, तो उसके URL को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके उसको आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद गो के बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर शो कर रहे हैं 10 रिजल्ट। फ्रेंड, एक दो लाइन हमेशा सेम रहती है, जैसे कोई भी लिखता है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो अगर इस तरह से एक दो लाइन सेम है तो उसे कॉपीराइट नहीं कहते। अगर पूरा का पूरा कंटेंट ही कॉपी करा हुआ है तो उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। यहाँ से आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसने पूरा कंटेंट आपका कॉपी करा है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि इस URL की आपने कंप्लेन कैसे करनी है गूगल से। मैं इसमें से किसी की कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कॉपीराइट कंप्लेंट नोटिस लिंक, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ से वेबसाइट ओपन होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको ब्लॉग की ही डिटेल्स बताऊंगा। आपको सिर्फ ब्लॉग पे सिलेक्ट करना है और जैसे ही वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। और यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आई हैव अ लीगल इशू दैट इज नॉट मैंशन अबव, ये जो आप लास्ट वाली ऑप्शन देख रहे हैं इस ऑप्शन पे आपने टिक करना है। जैसे ही आप इसमें टिक करेंगे आपके पास एक पेज और ओपन होगा। नेक्स्ट पेज ओपन होते ही फ्रेंड्स आप ये जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं इसमें आपने टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ टिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो गया और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आर यू द कॉपीराइट ऑनर, तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपसे अब ये पूछ रहे हैं क्या वो इमेज है, वीडियो है या अदर। और उसके बाद जब पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है दिस फॉर्म, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा,
यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डालना है, अगर आपकी कोई कंपनी है तो यहाँ पे डालिए, नहीं तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए। और इस ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सेल्फ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये चेकबॉक्स आप देख रहे हैं इसको आप टिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ से अपनी कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया को करा। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका कंटेंट क्या कॉपी करा है। इन्होंने फॉर एग्जांपल में बताया है अगर फोटोग्राफ है तो वो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। अगर आपकी कोई पोस्ट को कॉपी करा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे 2 times, और उसके बाद जो भी कंटेंट आपका कॉपी करा है उसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे अपने उस पोस्ट का URL देंगे, मतलब कि ये वाली पोस्ट का URL आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपकी 3-4 पोस्ट में से किसी ने कॉपी करा है तो आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर उसका भी URL लिखेंगे और फिर से एंटर प्रेस करेंगे और उसका भी URL लिखेंगे। आप टोटल 1000 लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड थर्ड ये 3 लाइंस को यूज़ करा है। उसके बाद जिसने भी आपका कंटेंट कॉपी करा है उसका URL यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला। और उसके बाद आपने कसम खानी है कि हाँ ये आप ही का कंटेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ही इसके सेल्फ ऑनर हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे डेट लिखनी है, और डेट किस फॉर्मेट में लिखनी है, मंथ डेट एंड ईयर। ये देखिए यहाँ पे नीचे मेंशन भी करा हुआ है, MM मतलब मंथ डेट एंड ईयर। और मंथ डेट ईयर आपको इस तरह से लिखनी है कि अगर जनवरी 6th है तो आप सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, आपको 0106 ऐसे लिखना पड़ेगा, देन 2018। आप सिर्फ सिंगल डिजिट बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ MMDD लिखा है। और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करनी है, सिग्नेचर मतलब आपको सिर्फ अपना यहाँ पे नाम लिखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट और सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। विद इन 10 days के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा कि जिस पर्सन ने भी आपके कंटेंट को कॉपी करा है उसके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है या फिर उसके वेबसाइट को सस्पेंड कर दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कॉपी पेस्ट को डिसेबल कैसे कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट में से। आप ये देख रहे हैं नीचे स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को आपने पूरा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और उसके बाद आपको अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में लिखा है लेआउट, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने कहीं पर भी इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है एड अ गैजेट, मैंने इसमें क्लिक करा और उसके बाद HTML JavaScript पे क्लिक करा, यहाँ पे वो कोड आपने पेस्ट करना है और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं अपने ब्लॉग में आ गया और आप ये देखिए मेरा कंटेंट यहाँ से इजीली कॉपी हो रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद आप ये देखिए मेरा कंटेंट यहाँ से सिलेक्ट भी नहीं हो रहा और जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई कॉपी की ऑप्शन भी नहीं आ रही। पर अभी मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, नहीं तो आप इस स्क्रिप्ट को कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा अब अपनी ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट को सेव करना, सिक्योर करना आपके लिए कितना इजी हो चुका है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।